दोस्तों, अगर आपको कम बजट में एक प्रीमियम दिखने वाला और एक सॉलिड मोबाइल स्टैंड चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ताइज़म कंपनी के मोबाइल स्टैंड की अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी मिलती है। तो वीडियो को आगे तक देखते रहें। तो मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आपको जल्दी से जल्दी जानकारी दे सकूँ। ये बॉक्स हमें इस टाइप से मिल जाता है। देखिए, मोबाइल मेट लिखा गया है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, MRP 599 दी गई है। ताइज़म लिखा गया है ब्रांड। 1 जून 2019 डेट लिखी गई है, इम्पोर्ट डेट। बाकी की और डिटेल्स दी गई है, आप वीडियो को पहुंच करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर इस स्टैंड की प्राइस की बात करूं तो ये मुझे अंडर 150 पड़ा है। मतलब ये मुझे फाइनली 129 रुपये के समथिंग मिला है। तो आपको भी ये इस प्राइस में मिल सकता है या फिर आपको 150 के अंदर ये मिल सकता है ऑफ़र वगैरह में या डील्स में। दोस्तों, ये दिखने में तो इतना खास नहीं लगता वीडियो में या फोटो में, लेकिन ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी सॉलिड भी है और एकदम प्रीमियम भी फील आता है। और इसमें हम मोबाइल को ऐसे सीधा रख के हम चार्ज भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ताइज़म की ब्रांडिंग की गई है और ये इस टाइप से दिखता है हमें। तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। तो आपको ये 150 रुपये तक मिल जाता है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टैंड है ये 150 में मेरे हिसाब से। तो देखिए, इस टाइप से हम मोबाइल को इस पर रख सकते हैं और ये काफ़ी स्टेबल तरीके से मोबाइल को हैंडल कर लेता है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं है, ये काफ़ी लाइट वेट है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों, आप चाहे तो इसका सिल्वर कलर भी खरीद सकते हैं, ये सिल्वर कलर में भी अवेलेबल है। तो मैंने तो ब्लैक कलर खरीदा है ताकि स्केच वगैरह कुछ ज़्यादा दिखे नहीं। इस वजह से मुझे ब्लैक कलर के प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि इन पर छोटे मोटे स्केच दिखते नहीं हैं। तो नीचे की तरफ रबड़ पैडिंग दी हुई है छोटे छोटे। तो दोस्तों, अगर आपको ये 150 में मिल जाता है तो आप इसे बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। मेरी तरफ़ से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, अगर इसकी मैं फाइनली डायमेंशंस की बात करूं तो ये हमें इस टाइप से मिल जाता है। ये देखिए आप, 7 सेंटीमीटर के समथिंग ये लंबा है और 7 सेंटीमीटर के समथिंग ये चौड़ा है दोस्तों। तो आप इसकी डायमेंशंस का आइडिया लगा सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वीडियो और फोटो में हम इसकी साइज़ का अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वजह से मैंने आपको ये डायमेंशंस दिखाई है। तो दोस्तों, आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।